आज मैं आपको आपके पैर के तलवों की मसाज करके अभी दिखाने वाली हूँ, और वो भी एक्यूप्रेशर के साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एक्यूप्रेशर जो है आज के टाइम में बहुत ही फास्ट यूज़ होने वाली जो है मसाज है, जिससे कि हमारे पैरों की समस्या ख़त्म हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने तेल लेना है। मैं यहाँ पर जो है तिल के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो सरसों का, अखरोट का, बादाम का, आंवले का, जिसका भी तेल चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको अपने हाथों पर लगाना है, और फिर जो है आपने तलवों पर इसको अच्छे से लगा देना है, ताकि आपके जो तलवे की जो स्किन है वो नॉर्मल हो सके, मतलब थोड़ी सी सॉफ्ट हो सके। उसके बाद जो है अच्छे से आपने जो है पैर को इस तरीके से रब करना है, ताकि आपके तलवे जो है पैरों के वो एक हीट पैदा कर सके, और इस तरीके से क्या होगा, आपके जो पैर के मसल्स है वो एक्टिव हो जाएंगे। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि आप इस कड़छी के साथ कैसे मसाज करेंगे, ये जो सिलाई ये कैसे मसाज में काम आएगी ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरीके से मसाज करनी है। आपने थम्स को दोनों को ऊपर रखना है, और फिर आपने स्लो स्लो चले जाना है। कई बार क्या होता है कि हम दिन भर काम करने के बाद जो है हमारी आंखें बहुत ज़्यादा थक जाती है, और हमारी आंखों में बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होती है। अगर आप ये स्टेप करेंगे तो देखेगा आपकी आंखों की थकान जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी, और आपकी जो आंखों की रोशनी है वो भी तेज़ हो जाएगी, अगर इस तरीके से आप अपने तलवों की मसाज करते हैं तो। और तलवों की मसाज का एक और फ़ायदा ये है, ये आपके शरीर को स्वस्थ और मजबूत बना देगा। हम क्या करते हैं, दिन भर काम करते हैं तो हम जो है हमारे जो है फीट होते हैं, ये जो हमारे तलवे होते हैं, इनको हमारे रिलैक्स नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आपने जो है ये पहला स्टेप था मसाज का, जो आपने एक मिनट के लिए करना है। अब दूसरे स्टेप के लिए आप इस कड़छी का यूज करें, और आपके यहाँ पे जो हमारे नेचुरल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं तलवों के, आपने इस तरीके से जेंटली आपने प्रेस करते जो है अपने अंगूठे पे आ जाना, और इस तरीके से आपने प्रेस करना है। इससे क्या होगा, हम जो है दिन भर जो है बहुत टाइट जूते पहन के रखते हैं, या फिर अन्य कोई भी फुटवेयर्स पहन के रखते हैं, जिससे क्या होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे तलवों तक नहीं पहुंच पाता है, तो उस वजह से क्या होता है हमारे पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाएंगे, तो इससे क्या होगा आपके जो ब्लड सर्कुलेशन आपका रुका हुआ था तलवों का, वो आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग शुगर के पेशेंट हैं उनके तलवों में जो है सुन्नपन रहता है, तो उनका जो है सुन्नपन भी दूर हो जाएगा अगर इस तरीके से आप मसाज करते हैं तो। उसके बाद हमारा ये बीच वाला पार्ट आता है जो हमारा तलवों का है, जो हमारा कभी भी धरती पर नहीं लगता, तो उसको आपने इस तरीके से जो है अच्छे से आपने रब करना है। इससे क्या होगा, जिन लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है उनको अच्छी नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये अपना एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाएं, इससे आपका जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और अब बात कर रहे हैं हम इस सिलाई मशीन से कैसे मसाज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो शरीर पे बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, और हमारे मोटापे का कारण हमारी चर्बी होती है। तो चर्बी को आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट तक अपने तलवों की मसाज करते हैं इस सिलाई मशीन के साथ इस तरीके से, तो इससे क्या होगा आपकी सिलाई के साथ अगर आप मसाज करते हैं तो इससे क्या होगा, आपके जो शरीर की चर्बी है वो भी पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी, और आपका मोटापा जो आपकी कई बीमारियों का कारण है वो भी आपका दूर हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जूता पहनने की वजह से हमारे जो लास्ट के पार्ट है, या हमारे तलवों का जो लास्ट का पार्ट है, यहाँ पर हमारे जो है ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच पाता है, और उस वजह से क्या होता है हमारा दिल जो है बहुत तेज़ से धड़कना स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी का जो है रक्तचाप जो है बढ़ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारे शरीर को खतरा भी हो सकता है। तो आप अगर रात को सोने से पहले इस तरीके से 10 से 15 मिनट जो अपने पैर के तलवों की मसाज करेंगे एक्यूप्रेशर के साथ, तो आप देखेगा आपकी बॉडी का जो रक्तचाप है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, और आपको किसी भी तरह की कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करें, आजकल लोग जो है तनाव से बहुत ज्यादा पीड़ित रहते हैं, इतने पीड़ित रहते हैं कि उनके पास जो है समय भी नहीं होता है कि वो जो है कोई और काम के बारे में सोच सके। वो जब सो रहे होते हैं तो धीरे धीरे जो है वो उनकी नींद खुल जाती है, तो उस वजह से भी उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आप इस तरीके से अपने तलवों की मसाज करेंगे तो देखेगा आपको बहुत गहरी नींद आएगी। और कई बार ऐसा भी होता है क्या कहते हैं, हमारी जो है मस्तिष्क वो इतना ज़्यादा थक जाता है कि हमारी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है सिर की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मांसपेशियां अच्छे से काम करें और आपकी सिमरन शक्ति भी तेज रहे, तो उसके लिए भी आप ये तलवों की मसाज कीजिए। इससे आपको जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, और इस तरीके से आप जो है हमारे जो तलवे हैं इन तलवों में ही हमारे पूरे शरीर के जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट है, मतलब हमारे हर एक शरीर का जो पार्ट है उसका एक पॉइंट है। तो आपने इस तरीके से जो है इसको सिलाई को रखना है, और इस तरीके से जेंटली प्रेस करते हुए आपने नीचे की तरफ आ जाना है। आपको थोड़ी सी गुदगुदी महसूस जरूर होगी, बट आपने ये करना है। इससे क्या होगा, आपके फुल बॉडी का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो आपके दब जाएंगे, और आप जो है बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा तनाव फ्री महसूस करेंगे, और आपका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेगा। मैं आपको एक और सही तरीका बता दूँ, अगर आप ये मालिश करने से पहले 5 मिनट के लिए गुनगुने पानी में अपने जो है तलवों
तलवों को भिगोकर रखते हैं और उसके बाद साफ तौलिए से पूछकर आप तेल के साथ मसाज करते हैं तो ये आपको और भी ज्यादा बेनिफिट देगा। उसके बाद क्या कहते हैं, कई लोगों को जो है एड़ियों की समस्या रहती है, वो लोग हील पहनते हैं तो उनके एड़ियों में बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो आपने इस तरीके से जो है यहाँ पे थंब को रखना है और आपने प्रेस करना है पूरी जो है एड़ी के एक एक पॉइंट पर आपने प्रेस करना है। ये भी हमारे एक्यूप्रेशर के यहाँ पे पॉइंट होते हैं, तो आपके जो हील का पेन है वो आपका बिल्कुल गायब हो जाएगा। और ये तेल की मालिश करने से एक फायदा और होता है कि आपके जो तलवों पर सूजन हो रही होती है वो आपकी सूजन जो है जल्दी से खत्म हो सकती है। अगर आप तेल की जो है सूजन को उतारना चाहते हैं अगर आप अपने पैरों की, तो आप तेल से मालिश करें, आपकी ये सूजन भी उतर सकती है अगर आप इस तरीके से मालिश करेंगे तो। उसके बाद जो ये आपका सर्कल पार्ट है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, तो अगर आप अपना ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रखना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप पंच बनाएं और आप जो है इस तरीके से प्रेस करें और इसको जो है क्लॉकवाइज घुमाएं, तो इससे क्या होगा आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी आपका ठीक रहेगा। और कई बार ऐसा होता है कई लोगों को जो है शुगर की वजह से उनके पैर जो है सूज जाते हैं, तो अगर आप इस तरीके से तेल की मालिश करेंगे तो आपके जो पैर की सूजन है वो अभी आपके दूर हो जाएगी। और जो कई लोगों की जो होते हैं पैरों की मांसपेशियां होती है इनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो अगर आप अपने चैनल्स की यहाँ पे ऊपर की साइड इस तरीके से मसाज करेंगे अपने पैर के चैनल्स की, तो आपकी जो मांसपेशियां जो है रुकी हुई हैं जिस वजह से आपके पैरों में दर्द रहता है वो आपकी मांसपेशियां जो है ओपन हो जाएंगी और आपका जो है दर्द है पैरों का दर्द वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। आपकी मांसपेशियों को बहुत ही ज़्यादा जो है राहत महसूस होगी अगर इस तरीके से आप जो है अपने पैर के तलवों की मसाज करते हैं। तो अब बात कर रहे हैं हमारी फिंगर्स, हमारी फिंगर्स में कहीं हमारा जो है आँख का एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, कहीं आँख का है, कहीं नाक का है, कहीं होंठ का है, कहीं गाल का है, कहीं दिल का है, तो आपने क्या करना है इस तरीके से जो है फिंगर रखनी है और आपने इस तरीके से प्रेस करना है और ऐसा आपने जो है एक एक मिनट के लिए प्रेस करना है। तो देखिएगा आपकी आंखों की समस्या है या आपको साइनस की प्रॉब्लम है या फिर आपको कम सुनाई देता है या फिर आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज बहुत ज्यादा रहती है, तो इन सबको ये जो है बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। ये आपके नेचुरल एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो आजकल लोग सभी जानते ही हैं, तो इस तरीके से अगर आपको दर्द है नहीं भी है तब भी आप जो है ये 5 मिनट के लिए इस तरीके से आप जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के साथ मसाज करें। उसके बाद ये वाला पार्ट आता है हमारे चैनल्स का, यहाँ पे आप अच्छे से जो है मसाज करें और ऊपर और नीचे दोनों की तरफ से जो है आप इस तरीके से मसाज कर सकते हैं, ये भी आपके जो शरीर की समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करेगा। तो इस तरीके से आपने अपने तलवों की मसाज करनी है और तलवों की मसाज के मैं और भी बेनिफिट बता दूं, अगर आप ये करछी देख रहे हैं, अगर आप ये करछी के पीछे वाला पार्ट यूज करेंगे तो ये क्या करेगा आपकी ओवरऑल बॉडी को रिलैक्स देगा, आपके शरीर को मजबूत बनाएगा और स्वस्थ रखेगा। इस तरीके से आपने प्रेस करना है और जो है नीचे की तरफ आपने जो है आना है, इससे क्या होगा आपकी बॉडी का हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है इजीली दब रहा है। और अगर आप चाहे तो जो है एक्यूप्रेशर जो है चप्पलें भी होती हैं, आप चाहे तो वो भी पा सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर पे ही कुछ सामान पड़ा हुआ है तो उससे जो है आप अपनी एक्यूप्रेशर मसाज कर सकते हैं तलवों की, जो कि आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है। इसके बाद आपकी जो फिंगर्स हैं, यहाँ पे आप जूते पहनने की वजह से क्या होता है आपकी फिंगर्स बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं जिस वजह से आपकी यहाँ पे पंजों में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो आप इस तरीके से उंगली के साथ जो है अपने उंगली जो है पैर की उंगलियों के बीच में मसाज करें, इससे क्या होगा आपके जो थकान है आपके पंजों की जो थकान है वो गायब हो जाएगी अगर इस तरीके से आप ये मसाज करते हैं तो। ये आपने जो है ये भी मसाज आपने 1 मिनट के लिए करनी है, आपको मैं जितने भी स्टेप बता रही हूँ पैर के तलवों के वो सभी आपने 1-1 मिनट के लिए करने हैं। और इसके बाद बात कर रहे हैं हम, कई लोगों को मोच आ जाती है, तो मोच आने की वजह से क्या करना है आपने इस तरीके से दोनों थंब्स को रखना है और आपने जो है पहले नीचे की डायरेक्शन में जाना है फिर आपने ऊपर आना है। इस तरीके से अगर आप ये मसाज का स्टेप करेंगे तो आपके जो मोच की वजह से जो आपके पैर में सूजन आई हुई है वो आपकी सूजन जो है गायब हो जाएगी। और अगर आपके पैरों में जलन रहती है या फिर आप जो है चढ़ाई चढ़ के गए हो, आपके पैरों पर फोड़े फुंसियाँ हो रखे हैं, वो भी आप जो अगर मालिश करते हैं तो वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने पैरों की मालिश जरूर करें। और अगर आप कनाल प्लस की और भी वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर कीजिएगा। धन्यवाद।